मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं ग्रेटर नोएडा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बीमटेक में इंश्योरेंस का प्राध्यापक हूँ। लाइफ इंश्योरेंस खरीदते वक्त जो आजकल सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने आता है वो ये होता है कि हमें ट्रेडिशनल पॉलिसियाँ लेनी चाहिए या हमें यूनिट लिंक प्लान, जिसे कि यूलिप के नाम से जाना जाता है, उसे लेना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस मूलतः तीन प्रकार की होती है। एक जिसे हम लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं, जिसमें दावा का भुगतान सिर्फ मृत्यु या अपंगता की स्थिति में की जाती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसे हम कह सकते हैं सेविंग ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें रिस्क के साथ साथ बचत का भी प्रावधान होता है और नियत समय पर हमें मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलती है। तीसरा प्लान को हम लोग रिटायरमेंट प्लान कहते हैं। स्ट्रक्चर वाइज ये बिल्कुल सेविंग प्लान जैसा ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ ये होता है कि मियाद पूरी होने पे, टर्म पूरा होने पे, पूरा पैसा हाथ में नहीं आता है, आधा आ सकता है और बाकी पैसे का आपको एन्यूटी या पेंशन मिलता रहता है। जब भी हम सेविंग पॉलिसी की बात करते हैं, ये पॉलिसियाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल की होती हैं, ज़्यादा की भी हो सकती हैं, और उसके प्रीमियम में मूलतः दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट तो वो होता है जो कंपनी के खर्चे के लिए निकल जाता है, उसमें मोर्टलिटी चार्जेस, एजेंट के जो कमीशन वगैरह होते हैं या ऑफिस के जो अपने खर्चे होते हैं वो निकल जाता है। उस खर्च के निकलने के बाद जो भी पैसा बचता है उसका निवेश मार्केट में किया जाता है और उस निवेश के द्वारा जो रिटर्न मिलता है वो पॉलिसी में एक्युमुलेट होता जाता है साल दर साल, और फिर मैच्योरिटी आने पे वो एक्युमुलेटेड बोनस और साथ में जो सम एश्योर्ड होता है, बीमा राशि होती है, उसका भुगतान किया जाता है। स्ट्रक्चर एक ही है, पॉलिसी सालों साल चलनी है, प्रीमियम सालों साल देना है और रिटर्न का समावेश पॉलिसी में होता जाता है। अब यहाँ समझने की बात है कि किसी को हम ट्रेडिशनल क्यों कहते हैं और किसी को हम यूलिप क्यों कहते हैं। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और 2000 ईस्वी तक LIC ही लाइफ इंश्योरेंस था। सरकार का जो मूल भावना था नेशनलाइजेशन का, वो ये था कि लोगों के पैसे का समावेश देश के विकास में किया जाए, और इसलिए जब इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन बनाया गया LIC के लिए, तब यह प्रावधान रखा गया कि कम से कम लगभग 80-85% तक पैसे का निवेश भारत सरकार की प्रतिभूतियों में हो, सरकारी प्रतिभूतियों में हो, और केवल बहुत छोटा सा हिस्सा मार्केट में, कैपिटल मार्केट में लगाया जाए। चूँकि वहाँ पैसे का संरक्षण, सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट, उसका नतीजा ये होता है कि पैसे की तो पूरी सुरक्षा है लेकिन जो निवेश का जो रिटर्न होता है वो बहुत हाई नहीं हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं सुरक्षा और रिटर्न दोनों का जो संबंध है बिल्कुल विपरीत होता है। अब ट्रेडिशनल पॉलिसी के अपने वैल्यू हैं। इसका वैल्यू ये है कि इसमें कभी भी अपने पैसे का निगेटिव रिटर्न या पैसा कम होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। ये संभव है कि किसी खास साल में बोनस का रेट ज़्यादा न बढ़े, लेकिन यह हकीकत है कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में एक्युमुलेट हो चुका है वो एक रुपया घट भी नहीं सकता है, नियत समय पर आपको पैसा मिलेगा। समय के साथ चीज़ें बदली, भारत में भी कैपिटल मार्केट का अच्छा खासा विकास हुआ, टेक्नोलॉजी ने साथ दिया, और 2000 आते आते यह एक संभव हो पाया कि एक नया ऑप्शन कस्टमर को दिया जाए, और ये नया ऑप्शन ही यूलिप के नाम से जाना गया। इसमें भी वही होता है, आपके पैसे का जो प्रीमियम आप देते हैं उसका एक हिस्सा खर्च में निकल जाता है और बाकी हिस्सा जो रहता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप अपने इस बचे पैसे का कहाँ निवेश करना चाहेंगे। 2000 आते आते स्टॉक मार्केट भी अच्छा होने लगा था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अच्छा काम कर रहा था, डेट इंस्ट्रूमेंट के जो मार्केट होते हैं वो भी अच्छे हो गए थे। अब यहाँ ऑप्शन अवेलेबल था कस्टमर को देने के लिए और इंश्योरेंस कंपनियों ने इस प्लेटफॉर्म का, इस मौके का फ़ायदा उठाया और नया प्लान मार्केट में लेकर के आए। अब यहाँ अंतर सिर्फ ये है कि ट्रेडिशनल प्लान में जब प्रीमियम देते थे तो आपसे नहीं पूछा जाता है कि आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं। जो भी नया कस्टमर सिस्टम को ज्वाइन करता है उसके प्रीमियम का भी निवेश पुराना जो फंड है उसमें कर दिया जाता है और पूरे ही पॉलिसी होल्डर का कॉमन रूप से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यूलिप में इसके ठीक उल्टा, कस्टमर से पूछा जाता है, ठीक है इंडिविजुअल लेवल पर तो हम कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम किसी भी कस्टमर को 4 या 5 फंड ऑप्शन दिया जाता है। हो सकता है कि एक फंड ऑप्शन में शेयर मार्केट में पैसा ज़्यादा लग रहा हो, ठीक उसके उल्टा, उसके विपरीत किसी दूसरे में बॉन्ड मार्केट में पैसा ज़्यादा लग रहा हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ऑप्शन दिया जाता है
और कस्टमर के दिए गए ऑप्शन के अनुसार ही उस पैसे का निवेश किया जाता है। अब देखिए अंतर है, ट्रेडिशनल में सिक्योरिटी बहुत हाई है, रिटर्न थोड़ा कम होगा। यूलिप में आपके अनुसार, आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार पैसे का निवेश किया जाता है, लेकिन चूंकि ये निवेश कैपिटल मार्केट में होता है और कैपिटल मार्केट में हमेशा जो धारा होती है एक जैसी नहीं होती है, संभव है कि कभी आपको 15% 20% भी रिटर्न मिल जाए, और ये भी संभव है कि कभी निगेटिव रिटर्न मार्केट क्रैश करने की स्थिति में कम भी हो सकता है। तो जब आप यूलिप पॉलिसी लेते हैं तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि अगर मार्केट क्रैश किया तो मेरा पॉलिसी वैल्यू भी डाउन जा सकता है। संभव है कि 10 साल पॉलिसी चलने के बाद आपकी पॉलिसी का वैल्यू 5 लाख रुपया हो गया हो और अगले साल मार्केट क्रैश करे तो वो 5 लाख घट के 3.5 लाख रुपया भी हो सकता है। ये अब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने रिस्क एपेटाइट, अपना जो पर्पस है पॉलिसी लेने का, और फिर एक एज भी फैक्टर होता है, इसको देखते हुए ये डिसाइड करे कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि अगर आपका उम्र कम है, समय आपके पास ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट का जो रिटर्न होता है वो किसी भी फिक्स डिपॉजिट, फिक्स सिक्योरिटी से बेहतर होता है, तो आपको यूलिप पॉलिसी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका उम्र 45-50 के आसपास है और आपके पास समय की कमी है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, उस स्थिति में आपको ट्रेडिशनल प्लान का ही ऑप्शन लेना बेहतर होगा। हकीकत है कि दोनों पॉलिसियां सरकार के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं, IRDA के रेगुलेशन के तहत होती हैं, इनकम टैक्स रिबेट वगैरह में दोनों ही बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो बस इस थोड़े से 2-3 चीज़ों का अपने ध्यान रखिए और पॉलिसी लेते वक्त अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।